नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, इस दीपावली आपके घर की गरीबी दूर करेगा यह आक का छोटा सा उपाय। जी हाँ दोस्तों, आक का पौधा आपको आपके आसपास देखने को मिल जाएगा। आपको यह आक का पौधा मामूली सा दिखता होगा, लेकिन यह शिव का प्रतीक पौधा, शिव का प्रिय पौधा आपके घर की गरीबी और आपके घर की दरिद्रता को नाश करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दीपावली आप आक के पौधे का ये छोटा सा उपाय अपने घर में कर लोगे तो पैसों की तंगी आपको कभी भी नहीं होगी, पैसों की किल्लत आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये उपाय क्या है, आपने कैसे करना है, इसके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है वे आप हमेशा रुपयों की तंगी बनी रहती है, इससे बचने के लिए आप घर के मुख्य दरवाजे पर आक की जड़ को काले कपड़े में बांधकर टांग दें। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और आपके घर में पैसों का आगमन होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। अगर किसी पर भूत प्रेत की बाधा है तो उन्हें सफेद आक की जड़ बांधनी चाहिए। इसे धारण करने से पहले जड़ को बजरंग बलि के चरणों में रखकर उसके किसी भी सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। ऐसा करने से प्रेत बाधा आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर बुरी नजर की वजह से बच्चे की तबीयत अक्सर खराब रहती है तो रवि पुष्य और गुरु पुष्य के दिन श्वेत आक के 11 फूलों की माला बांधकर बच्चे को पहनाना चाहिए। इससे आपके बच्चे को कभी भी नजर लगने की समस्या नहीं आएगी। यदि घर की बरकत रुक गई हो और सारे काम बिगड़ रहे हो तो सफेद आक की जड़ को गणेश जी के सामने रखें। अब इसे पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आक का उपाय सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी लगती है उन्हें आक की जड़ का रस पीने से लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, आक आपको पैसों की तंगी के साथ साथ स्वास्थ्य लाभों में भी उत्तम है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आक की जड़ नजर दोष दूर करने के लिए सबसे कारगर साबित होती है। ये इतना प्रभावशाली है कि इसका इस्तेमाल तंत्र विद्या में भी किया जाता है। आक आपके हर समस्या को दूर करने के साथ साथ पैसों की समस्या को दूर करने का बेहद ही रामबाण तरीका है। दोस्तों, जो आक का फल होता है, फूल के बाद जो फल तैयार होता है, आपने आक के 7 फल लेने हैं। इन फलों को आप किसी कपड़े में बांधकर आप किसी चौक चुराहे पर जाकर रख दें और माता रानी से आराधना करें कि हे माता, मेरे घर की दरिद्रता और मेरे घर की गरीबी को मेरे घर से निकाल दें। दोस्तों, जैसे ही आप इसे रात के समय में करके आओगे और 41 मंत्रों का वहां पर खड़के जाप करें और माता से पूरी मन सच्चे दिल से आराधना करें कि माते मेरे घर की गरीबी को दूर कर, तो आपके घर की गरीबी और दरिद्रता का नाश होगा, आपके घर में ग्रह कलेश मिटेंगे, आपके घर में पैसों की तंगी दूर होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने वाले लोग हमेशा अमीर और करोड़पति बनते हैं। हिंदू धर्मशास्त्री आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आक भगवान शिव का प्रिय है। इससे जो भी आप मनोकामना मांगोगे, सच्चे दिल से मनोकामना मांगने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें।